मॉब लिंचिंग के दौरान तरवेज अंसारी की हत्या के विरोध में मुंबई के जोगेश्वरी में स्थित झूला मैदान में मैसेज ग्रुप ने विरोध किया। बदन में सारा लहू ईमान वाला है, बदन में सारा लहू ईमान वाला है, फिर भी जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। मैं बोलना चाहता हूँ, 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली के लाल किले पर खड़े के आवाज़ लगा रहे थे, मुसलमान तुम कहीं मत जाओ, तुमको यहाँ इंसाफ मिलेगा, तुमको ताजमहल का हुसन पुकार रहे, तुमको लाल किले का हुसन पुकार रहे, इस जमीन के अंदर तो हमारे बाप दादा दफन है, तो ये सुनते हुए मौलाना अबुल कलाम की आवाज़ पर लब्बैक करते हुए मुसलमान हिंदुस्तान में रुक गया। लेकिन आज क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ में, आज झारखंड के अंदर एक घटना घटी, तबरेज अंसारी नाम का एक युवा लड़का जिसको मॉब लिंची के नाम पर कुछ गुंडे लोग ने, सांप्रदायिक लोग ने पकड़ के उसको इतना मारे और कानून देखता रहा, प्रशासन देखते रही, पुलिस की हिरासत में लेने के बावजूद उसकी मौत हो गई, इसका इंसाफ कौन करेगा? मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, जिन्होंने बोला था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो मोदी जी कहाँ किसका विश्वास जीत रहे, माइनॉरिटी का विश्वास कहाँ से मोदी जी जीत रहे? हम जो झूला मैदान के अंदर आज हम जो आंदोलन कर रहे, जो प्रोटेस्ट कर रहे, तबरेज अंसारी के कातिलों को पकड़ा जाए और तबरेज अंसारी को इंसाफ दिया जाए और ये मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान के अंदर से बंद किया जाए। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। आपके प्रांत में, आपके राज्य में मोदी सरकार है, मोदी सरकार की लहर चल रही है, मोदी सरकार, आप क्या चाहते हो मोदी सरकार? मोदी सरकार से हम लोग को बहुत वो था, अपेक्षाएं थी कि मोदी सरकार आएगा तो माइनॉरिटी का विकास होगा। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर शपथ लेने के बाद मोदी जी ने बोला था कि जो माइनॉरिटी इस देश की, उनको हम कंधे से कंधा मिलाकर लेके चलेंगे, तो जितनी भी माइनॉरिटी थी मोदी जी के भाषण से खुश हो गए थे। चलो मोदी जी के अंदर अभी अल्लाह ने इनको एक सलाहियत दी है कि मुसलमान लोग के लिए कुछ सोच रहे, लेकिन क्या कहा जाएगा जो झारखंड के अंदर जो घटना हो रही, वो भी बीजेपी के सरकार झारखंड के अंदर है, उसके रहने के बावजूद जगह जगह पर मारा जा रहा, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की भी सरकार थी, वहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट आने के कुछ एक हफ्ते के बाद में वहाँ पर भी मॉब लिंचिंग की घटना घटी है। ऐसी घटना आखिर क्यों घट रही है? कानून इतना सुस्त क्यों है? प्रशासन इतना क्यों सुस्त है? सोई कौम को जगाना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हम लोग ने आंदोलन छेड़ा है कि मोदी जी मॉनिटर को इंसाफ दो, तबरेज अंसारी को इंसाफ दो और उनकी जो बीवी है जो बेवा हो गई उसको मुआवजा दिया जाए। दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह से आप देखिए जय श्री राम का नारा जबरन लगाया जा रहा है, जय श्री राम के नारे पे मुसलमान को मारा जा रहा है, तो ये कोई धर्म किसी को मारना काटना नहीं सिखाता है, सब धर्म प्यार की बात सिखाते, लेकिन कुछ लोग है जो जबरदस्ती का ये सब वातावरण देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कानून को पकड़ना चाहिए, मोदी जी को इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ताकि तबरेज अंसारी जैसी घटना इस देश के अंदर कभी घटे नहीं। इसके लिए कानून को मैं अपील करता हूँ मोदी सरकार को कि हमारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मुसलमानों के ऊपर जो भी जुल्म सितन पूरे देश के अंदर हो रहा है इसको प्लीज़ रोकिए, और मुसलमान नौजवान ये नहीं चाहता है, हिंसा नहीं चाहते, हम लोग सब आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी ताकत है जो इसके पीछे लगी है, इसका पर्दाफाश करना ज़रूरी है। जी ने पिछले 5 साल में सबका साथ सबका विकास, उसके बाद में अब ये 5 साल में वो जीत के आने के बाद में उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो क्या ये ढंग से विश्वास हासिल करेंगे? आज जो है, आज एक निहत्थे को पकड़ करके लोगों के बीच में इनके गुंडे उसको मार दिया जाता है, और फिर पुलिस प्रशासन जो है वो 24 घंटे के बाद में अपने हिरासत में लेने के बाद भी उसको एडमिट नहीं कराती है और वो बेचारा मर जाता है। ये क्या इंसाफ है?
आज की तारीख में जिसने जो मंडल नाम का व्यक्ति है उसको तो फांसी देना चाहिए सरेआम। आज मुसलमान सिर्फ ये सोच रहा है कि हमको संविधान की रक्षा करना है। अगर मुसलमान भी जिस वक्त ये कहने लगेगा कि ठीक है हम भी जो है मॉब बिल्डिंग के नाम से हम भी लोगों को पकड़ना धरना, इस देश की हालत क्या होगी। आज संविधान को बचाने की ज़रूरत है। मोदी जी इस देश को चलाना है तो सबको साथ लेकर के चलाइए और सबको लेकर के चलाइए। जिस तरह से आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका विश्वास आप हासिल कीजिए और ये बंद कर दीजिए, इसके ऊपर कोई कड़ा कानून लाइए। आप क्या कहना चाहोगे? क्या मोदी जीपी के कई एजेंडे चल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें से एक ये है जो तबरेज़ अंसारी के साथ हुआ है, और जो तबरेज़ अंसारी के साथ हुआ है पूरी इंसानियत इससे शर्मसार हुई है और हमारा विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है कि इस तरह से मारा जाता है, काटा जाता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो हमको बड़ी बड़ी शर्म से बोलना पड़ रहा है कि मतलब बीजेपी सरकार में और पता नहीं क्या क्या हादसे हमको आगे देखने को मिलेंगे। हम अगर देश के लिए मर सकते हैं तो ये मत भूलिएगा कि हम देश के लिए मार भी सकते हैं। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। हमको बड़ी शर्म हमको आ रही है, लेकिन उनको कब आएगी शर्म? ये आस लगाए बैठे हैं सारे मुसलमान सारे लोग। और हम तो क्या, हम तो चाहते हैं कि ओल्ड हिंदुस्तान आए। जो नया हिंदुस्तान है ये कातिल बन के आया है हमारे सामने, ये जो सरकार आई है वो कातिल बन के आई है। हम चाहते हैं कि ओल्ड मुसलमान, जो एक हिंदू मुसलमानों के लिए दर्द रखता था उसके सुख दुख में आता था, एक मुसलमान हिंदुओं के दर्द में उनके सुख दुख में आता था, वो भाईचारगी कहाँ चली गई, वो कहाँ गई? प्रशासन वहाँ के लोग कैसे थे, आज के लोग कैसे हैं? जहन में बस ये दौड़ रहा है मारना काटना और मुसलमान को जिस तरह चाहे उस तरह नुकसान पहुंचाना, तो बस बड़ी शर्म की बात है। बस हम चाहते हैं कि बस इंसाफ मिले, जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और इसी तरह का रवैया रहा तो हमको ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम इंडियन होने पे गर्व नहीं करते बल्कि अपने आप को शर्मिंदा समझते हैं। बस जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूँगा एक शेर में, क्योंकि बहुत सी बातें कहने की, क्या कहे, खास करके माइनॉरिटी और मुसलमानों के लिए, कि चमन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे है आसमानों। क्या बात है, बहुत बहुत।